देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अलावा इसकी ख्याति एक और वजह से भी है। वो वजह है यहाँ स्थित शिव मंदिर में लगी चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि यानी वो मणि जिसकी कांति चंद्रमा के समान हो, तो चंद्रकांत मणि भी इस धाम की प्रसिद्धि की एक बड़ी वजह है। भारत वर्ष में दो जगह रहा, एक सोमनाथ मंदिर में और दूसरा बैद्यनाथ। सोमनाथ मंदिर तो जब सब गजनबी लूट के ले गया, यहाँ पर है आई सतयुग से ही चंद्रकांत मणि आए थे। मैं यहाँ जब मंदिर बना उसी समय भगवान चंद्रकांत मणि उसमें लगा दिए और उनका गुण है मणि का जो उसमें प्रत्येक सेकंड से एक गुण जल निकलेगा, जल का प्रवाह, क्योंकि ठीक शंकर जी के माथे पर ही पड़ता है। चंद्रकांत मणि का महात्मा है जो उससे जल गिरेगा हमेशा, तो कभी बंद नहीं होने वाला। अभी भी है? हाँ अभी भी गिरता है। चंदा हटाइए दिखाएगा, चंदा हटाइए वह फोकस लगाइए ऊपर नजर आएगा। शिव मंदिर प्रांगण में एक घंटा, एक चंद्रकूप और एक विशाल सिंह दरवाजा है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ शिवलिंग पर मंदिर के ऊपर लगी चंद्रकांत मणि से बूंद बूंद जल टपकता रहता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रकांत मणि रावण ने यहाँ धन के देवता कुबेर से हासिल कर लगवाई थी। चंद्रकांत मणि उष्दल कमल की आकृति के बीच में लगी हुई है। मंदिर में श्रृंगार पूजा में शिवलिंग पर जो चंदन लगाया जाता है उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदे टपकती हैं। लोगों का कहना है कि यह धाम चंदन अमृत के समान होता है, इसे सभी रोग और दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि सुबह इस चंदन को लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। मंदिर में चंद्रकांत मणि है इसकी जानकारी 1962 में हुई। इस समय सरकार की ओर से मंदिर में एक और दरवाजा बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। यहाँ चंद्रकांत मणि मिलने के बाद दरवाजा बनाने का काम रोक दिया गया था। पंडितों का कहना है कि एक और चंद्रकांत मणि माता लक्ष्मी के मंदिर में है। भारत वर्ष में दो जगह रहा, एक सोमनाथ मंदिर में और दूसरा बैद्यनाथ। सोमनाथ मंदिर तो जब सब गजनबी लूट के ले गया, यहाँ पर है आई सतयुग से ही चंद्रकांत मणि आए थे। मैं यहाँ जब मंदिर बना उसी समय भगवान चंद्रकांत मणि उसमें लगा दिए। ऐसी मान्यता है कि बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने करवाया था। पुराणों में उल्लेख है कि रावण जब शिवलिंग को धरती पर रखकर चला गया, उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं इस शिवलिंग के दर्शन के लिए आए थे। तब भगवान विष्णु ने शिव की शोचोपचार पूजा की थी। भगवान शिव ने विष्णु जी से यहाँ एक मंदिर बनवाने को कहा था। इसके बाद विष्णु के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। बैद्यनाथ मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भी देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ सावन में गंगा जल अर्पण का विशेष महत्व है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को गंगा जल और विल्प पत्र यानी बेल के पत्ते अर्पण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ जल अर्पण से उन्हें अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और गंगा जल का अन्योन्याश्रय संबंध है। कांवरिया सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरते हैं। इसके बाद वे करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। यहाँ मनोकामना शिवलिंग का जलाभिषेक करने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है।